इलाका टीआरएस का, किला ओवैसी का, लेकिन चुनावी रिजल्ट के परिणामों ने हैदराबाद में बीजेपी की दमदार एंट्री का अध्याय लिख दिया। जो परिणाम सामने आए वो सियासत के मैदान में किसी चमत्कार से कम नहीं। सियासत की जिस जमीन पर बीजेपी के लिए दहाई का आंकड़ा छूना मुश्किल था, उसी सियासी जमीन पर बीजेपी ने असंभव मिशन को संभव में बदल दिया। बीजेपी नंबर टू पार्टी बन गई, जबकि ओवैसी नंबर थ्री पर पहुंच गए। टीआरएस को 55 सीटें मिली, बीजेपी को 48, एआईएमआईएम को 44 और कांग्रेस को 2 सीटें। बीजेपी नंबर टू पार्टी बन गई, टीआरएस को 99 से 55 सीटों पर सिमटा दिया। हैदराबाद के छोटे इलेक्शन में बीजेपी की यह बहुत बड़ी जीत है। ये गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूं। और मैंने कहा था कि हैदराबाद में भ्रष्टाचार को नष्टो नाबूद करने के लिए मैं हर जगह जाऊंगा, और आज हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के कहे हुए विकासवाद पर मुहर लगाई, उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग रहते हैं, और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही एक इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया है। इस चुनाव में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हैदराबाद में अनफॉर्चुनेटली टीआरएस और एमआईएम का गठजोड़ काम कर रहा था। दोनों ने बहुत टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ा, जनता ने दोनों को ही कम करने का काम किया है। हैदराबाद के लोकल इलेक्शन को समझने के लिए आपको 2016 और 2020 के रिजल्ट के अंतर को समझना होगा। 2016 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, 2020 में 48 सीटें जीती। बीजेपी 4 से 48 सीट तक पहुंची, 12 गुना ज्यादा सीटें जीती। बीजेपी मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन टीआरएस और ओवैसी का सपना तोड़ दिया, क्योंकि क्षेत्रीय क्षत्रपों को उनके गढ़ में घुसकर सीधी बीजेपी ने चुनौती दी और अपने विस्तार से विरोधियों को बेचैन कर दिया। बेचैनी की वजह योगी का ट्वीट। बीजेपी के रणनीतिकारों ने बड़े बड़े धुरंधरों को चित कर दिया। चुनावी भिड़ंत जबरदस्त थी, मुकाबला सीधी टक्कर का था। रोड़ा बनकर खड़े थे ओवैसी, टीआरएस ने झोंक रखी थी ताकत। चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल खेला गया। एआईएमआईएम और टीआरएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन रणनीति एकदम क्लियर बनाई। दोनों की नीति और नियत स्पष्ट थी। ओवैसी को बीजेपी के हमले से अपने गढ़ को महफूज रखना था, तो टीआरएस को अपनी परफॉर्मेंस को दोहराकर सीटों को बीजेपी की झोली में जाने से रोकना था। 150 सीटों पर टीआरएस ने चुनाव लड़ा, महज 51 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों को टारगेट किया, 99 सीटों पर बीजेपी वर्सेस टीआरएस की लड़ाई। यहाँ पर ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं ताकि ये जो मैसेज है यहाँ से दिया जा सके कि कितने उत्साह में यहाँ के कार्यकर्ता हैं, और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यकीनन आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके लिए सेलिब्रेशन का ये वक्त है। और वही सेलिब्रेट करते हुए अपने इस हैदराबाद के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आज ये जो उसकी जीत हुई है इसके जरिए 2023 को कैसे वो सुनिश्चित करती है, दक्षिण के इस दरवाजे के जरिए बाकी राज्यों में वो कैसे पैर पसारती है। हैदराबाद में बीजेपी ने चुनावी प्रयोग किया, तो बीजेपी के प्रयोग के जवाब में एक और प्रयोग किया गया। एआईएमआईएम ने सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ा जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, जबकि 99 सीटों पर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। मकसद था टीआरएस और बीजेपी में 1-to-1 लड़ाई हो, हुआ भी यही, लेकिन बीजेपी का प्रयोग विपक्ष के काउंटर प्रयोग पर भारी पड़ा। 51 सीटों पर भगवा बनाम भाईजान की सीधी टक्कर हुई, वहीं 99 सीटों पर टीआरएस बनाम बीजेपी। 2016 में हुए चुनाव में दो बड़े प्लेयर ही थे, एक चंद्रशेखर राव और दूसरे ओवैसी, लेकिन 4 साल बाद हैदराबाद को भाग्य नगर बनाने निकली बीजेपी का भाग्य जाग उठा। लोकल चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, विकल्प के तौर पर हैदराबाद में उभरी बीजेपी, दक्षिण भारत में बीजेपी का गृह प्रवेश हो गया। 2023 का ट्रेलर बीजेपी ने रिलीज कर दिया। हैदराबाद के चुनावी परिणाम का मतलब बीजेपी के लिए क्या है, इसे समझने के लिए आपको
कुछ सियासी भविष्यवाणी सुनानी होगी जो परिणाम से पहले बीजेपी को लेकर की गई थी। ओवैसी ने अपनी सियासी जमीन बचाई, वोटरों पर मजबूत पकड़ कायम रखी, लेकिन बीजेपी से लड़ाई में टीआरएस लड़खड़ा गई। अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी माता से आशीर्वाद लिया था तो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी ने भाग्यनगर का वादा किया था। यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लोट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई उलझनों तक सबको तय करना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया और फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर। तो क्या हैदराबाद में जिस भाग्य के भरोसे बीजेपी ने सियासी जंग लड़ी उसी रणनीति से बीजेपी का भाग्य जाग उठा? आज तक